Now second one is Henry Howard Earl of Surrey. Now second silver poet of this era is Henry Howard Earl of Surrey. It is Henry Howard Earl of Surrey. Who was Henry Howard Earl of Surrey? देखिए हेनरी हावर्ड जो थे ये एरिस्टोक्रेट फैमिली से ही बिलोंग करते थे और इनका जो बर्थ हुआ था दैट वॉज द ईयर ऑफ 1517 में इनका जन्म हुआ था। मैंने पहले ही बता दिया था कि ये एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, एक अच्छे दैट इज एरिस्टोक्रेट फैमिली से बिलोंग करते थे और ये भी सर थॉमस वैट की तरह ही ये भी हेनरी एट के टाइम लाइन को ही ज्वाइन किए थे। दैट वॉज द ईयर ऑफ 1509 टू 1547 क्योंकि हेनरी एट जो थे हेनरी एट का जो रीन था वो 1509 से 1547 में था। इसका मतलब हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे जो थे वो हेनरी एट के दरबारी थे, ये भी दरबार में ही थे। ही वॉज अ कोर्टियर। ये उतने अधिक फेमस नहीं हुए जितने सर थॉमस वैट का हुआ, लेकिन याद रखिएगा फर्स्ट थिंग इनको सर थॉमस वैट का डिसाइपल कहा जा सकता है। सेकंड थिंग उनको हम अर्ल ऑफ सरे इट मीन्स हेनरी हावर्ड को हम सर थॉमस वैट का कंटेम्प्रोरी या फ्रेंड भी कह सकते हैं। यद्यपि दोनों में समानताएँ थी ही लेकिन कुछ उसमें असमानताएँ भी थी, सिमिलरिटी तो थी ही। पहली चीज़ क्या थी, सर थॉमस वैट इटली गए थे और इटली से वैट साहब लाए थे पेट्रार्कन मॉडल ऑफ सोनेट। जब वैट साहब गए थे इटली तो वहाँ से क्या लाए थे, सोनेट। लेकिन ये सोनेट किस मॉडल पे था, ये पेट्रार्क को फॉलो किया गया था। पेट्रार्क को फॉलो करने का मतलब होता है ऑक्टेव प्लस सिस्टेट सक्सीडेड बाई ससुरा आर पॉज। वैट साहब ने सोनेट लाया पेट्रार्कन मॉडल पर, लेकिन अर्ल ऑफ सरे जो थे उन्होंने क्या किया, वैट साहब के सोनेट के जो थीम है उसको वैसे ही रहने दिया। जो थीम है, जो बताया गया है पर्पस था, वही रहने दिया। इन्होंने केवल उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। क्या था स्ट्रक्चर इसका, इन्होंने हेनरी हावर्ड या अर्ल ऑफ सरे साहब ने क्या किया, इसको स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया और स्ट्रक्चर चेंज करते करते इन्होंने 4+4+4 दैट इज़ क्वाट्रेन, 3 क्वाट्रेन बनाया और बाद में एक बना दिया कपलेट। जबकि वैट साहब के पास क्या था, 8+6, वो जैसे पाए वैसे ले आए। हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे जो थे इन्होंने क्या किया, इसको तोड़ दिया, ये फॉर्म ना ठीक है, हम अलग बनाएंगे 4+4+4+2 3 स्टेंजा ये 4 लाइन का बनाया गया क्वाट्रेन, दैट इज क्वाट्रेन स्टेंजा। तो 3 क्वाट्रेन + 1 कपलेट इसे हम लोग बोल देते हैं इंग्लिश फॉर्म ऑफ सोनेट, लेटर ऑन शेक्सपियरियन फॉर्म ऑफ सोनेट। तो यहाँ पर उन्होंने सोनेट को इंट्रोड्यूस किया, अंतर समझ, इंट्रोड्यूस पेट्रार्कन मॉडल ऑफ सोनेट इन इंग्लैंड वेयर एज अर्ल ऑफ सरे इंट्रोड्यूस इंग्लिश मॉडल ऑफ सोनेट दैट वॉज लेटर ऑन फॉलोड बाई डिफरेंट राइटर्स इंक्लूडिंग विलियम शेक्सपियर। सरे साहब ने क्या किया था, सोनेट को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश फॉर्म ऑफ सोनेट में। अच्छा सेकेंड थिंग क्या थी, इन्होंने वर्जिल की अनीड अभी हमने पढ़ा हुआ था इसके पहले वाले वीडियो में या शुरुआत में हमने पढ़ा हुआ था कि वर्जिल की एनीड जो थी यह लिखी गई थी अगस्टन एज में, दैट वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो वर्जिल की एनीड की जो सेकंड बुक थी, एनीड की कौन सी बुक थी, सेकंड बुक थी जो है, उसके ट्रांसलेशन में सरे साहब ने क्या किया था कि वर्जिल की एनीड को ट्रांसलेट कर दिया और उनके ट्रांसलेशन पे उन्होंने एक अलग टाइप का मीटर ही यूज कर दिया। उसी मीटर को कहा गया था ब्लैंक वर्स। क्या गया था, ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स आर अनराइम्ड याम्बिक पेंटामीटर।
ब्लैंक वर्ड्स जो होते हैं अनराइम्ड याम्बिक पेंटामीटर होते हैं। तो हु इंट्रोड्यूस्ड, देखिए सरे साहब के बारे में दो चीज़ें जरूरी हैं। पहली चीज़ क्या है कि ही इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश फॉर्म ऑफ सोनेट इन इंग्लैंड। सेकेंड क्या है, ही इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक वर्ड्स इन इंग्लैंड। अब सरे साहब हैं, उन्होंने जो सोनेट लिखा हुआ है किसके लिए लिखा हुआ है, तो सरे साहब की जो सोनेट आए हुए थे, अभी इसके पहले मैंने बताया था कि सरे साहब पे कुल कितने सोनेट आए हुए थे टॉटलस मिसेलनी में। तो टॉटलस मिसेलनी में सरे साहब पे कुल कितने सोनेट आए थे, दैट वर द 40। सरे साहब जो थे अरलाप सरे, इनके आए थे टोटल 40 सोनेट आए हुए थे। कहाँ पर आए थे, द टॉटल्स मिशेलनी में। कब आए थे, 1557 में आए हुए थे। तो 1557 में इनके 40 सोनेट या सॉन्ग जो आए हुए थे वो किसके लिए थे, ये पूर्णतः इंटायरली इमेज नेटिव लव फॉर गेराल्डाइन, GERALDINE। इन्होंने गेराल्डाइन के बारे में या लेडी एलिजाबेथ फिट्ज़ेराल्ड, हम एक नाम ढूंढते हैं लेडी एलिजाबेथ फिट्ज़ेराल्ड, तो इनके बारे में उन्होंने लिखने का प्रयास किया था। मैंने कहा था कि वो उनकी नहीं थी, फिर भी बताने का प्रयास किया, दैट वाज द क्रिएशन ऑफ इमेजिनेशन, लेडी एलिजाबेथ फिट्ज़ेराल्ड या गेराल्डाइन, जो भी आप बोल सकें। तो ये थे हेनरी हावर्ड अरलाफ सरे।